अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही व बरकातहू। वेलकम टू ज़ैनब किचन। आज हम बनाने वाले हैं एक तंदूरी, अंडा तंदूरी। इसके लिए हमने 7-8 अंडे लिए हैं। अंडे को उबाल कर उसके छिलके हमने निकाल कर लिए हैं। अभी उसको हम ऐसे छेद करेंगे ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। ऐसे सब हम अंडे को छेद करके लेंगे। एक बाउल में हमने 2 बड़े चम्मच दही लिए हैं। अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कुछ सूखे मसाले हैं, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला थोड़ा सा, गरम मसाले का पाउडर 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम, रेड फूड कलर, तंदूरी मसाला 1 टीस्पून लिए है और 1/2 टीस्पून रेड मिर्ची पाउडर, वो भी मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून तेल, स्वाद अनुसार नमक। अभी इन सब मसाले को हम अच्छे से फेट कर लेंगे। एकदम झटपट बनता है लेकिन खाने में चिकन से भी बहुत भारी लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखें और मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करें। अच्छे से फेटने के बाद अंडे ऐड करेंगे मसाले में। इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। अंडे हमारे मिक्स हो गए हैं। गैस के ऊपर हमने एक पैन रखे हैं। थोड़ा सा तेल डाल के गर्म करके लेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तेल को पैन में पूरा फैला कर लेंगे और अंडे डाल के जैसे हम चिकन फ्राई करते हैं उस टाइप हम फ्राई करके लेंगे। आप इसे फ्लाई में भर कर भी इसे फ्राई कर सकते हो या भून सकते हो। अब इसको हम चारों बाजू से गोल गोल घुमाते हुए फ्राई करके लेंगे। इसे ऐसे पैन में घुमाते हुए फ्राई करके लेंगे। गैस की फ्लेम भी हमने फास्ट ही रखी है, फास्ट गैस के ऊपर। इसे जैसे मसाला सूखते जाएगा अपने आप कोट होते जाएगा। सिर्फ हमें अंडे को घुमाना है। देखिए इस तरह से बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखें और मेरे चैनल को लाइक और शेयर भी करते जाइए। अंडे हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अभी पैन को हम नीचे उतार कर लेंगे और उसी गैस के ऊपर हम एक जाली रखेंगे और जाली के ऊपर अंडे रखेंगे। इससे एक स्मोकी फ्लेवर भी आएगा और अंडे भी अच्छे इन स्पॉट वगैरह बहुत अच्छे आएंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा अमूल बटर भी हम डालेंगे। इससे भी एक अच्छा टेस्ट और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जैसे ऐसा लग रहा है कि हम चिकन ही भून रहे हैं तंदूर पे। पूरी तंदूर वाली खुशबू आ रही है इसके ऊपर। अभी हम गैस को बंद करेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। देखिए गर्मा गर्म अंडे हमने सर्व किए हैं। कितने अच्छे स्पॉट भी आ गए इसके ऊपर, बिल्कुल चिकन की तरह। नींबू और प्याज के साथ हमने सर्व किए हैं।
आप भी इसी तरह बनाकर खाइए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।